और आप जो है जिया का जाते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मिल जाए, महीने भर के अंदर अगर पासपोर्ट मिल जाए। और बहुत मन है कि एक एब्रॉड ट्रिप इधर थोड़ा मारा जाए, जल्दी से यहाँ सब कुछ हो पाएगा तो जल्दी हम निकलेंगे किसी न किसी विदेश की धरती पर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं जी शाम के 6 और इसी समय देख रहे हैं अच्छा खासा अंधेरा जो है हो गया है और अब जो है लगता है दिन छोटा होना शुरू हो चुका है। जल्दी जो है मौसम बदलने वाला है और यहाँ पर क्रियांश भी आ चुका है नीचे से। सब चीज खाली नीचे में रहता, गर्मी बहुत है ना, गर्मी है नीचे, ऊपर में चार आ रहे हैं अकेले। अच्छा, गर्मी लग रहा है इसलिए गर्मी से परेशान। जाएगा कूलर के पास ही अभी। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हमारा जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज है जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच और हम लोग जो है डिपेंडेंट है कि आज अफगानिस्तान मैच जीत जाए, देखते हैं क्या होता है। वैसे उम्मीद तो कम है ही, पाकिस्तान जिस तरह की फॉर्म में है ऐसे फॉर्म में अफगानिस्तान उसको हरा देगी मुश्किल ही लग रहा है। वैसे आजकल ऐसा चल रहा है जो भी टॉस जीतता है मैच जीत जाता है, तो उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान टॉस जीत जाए तो मैच शायद उसके पक्ष में आ जाए। A few moments later. आवते दिक्कते की नानी मौसी ने मांगा भी है, लुट ले तो मांगे मौसी मांगे बै थारी थारी के तो बारी झारी गिना द तो मांगे बारे मांगा भी है लुट ले तो मांगे पुआ मांगे बै अंगने अंगने घूमे तो अंगने अंगने घूम तो माँ चाची के शिकत कर तो मांगे काज राज कर तो मौसी मांगे। उधर जी दोनों दादी मिलकर के गीत गा रही है और क्रियांश जो है मजे में सुन रहा है। पहले तो एक दादी थी गीत सुनाने के लिए, अब तो दूसरी भी दादी आ गई है तो दोनों दादी मिलकर के जो है खूब गीत सुना रही है और वह भी मजे में सुन रहा है। और फिलहाल हम जा रहे हैं जी बगल के दुकान, वहाँ से जो है कुछ लाना है। हमारी मौसी जो है आज कुछ बनाने वाली है, बूंदी और दूध डाल करके, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ सकरौड़ी, हम लोग सकरौड़ी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं। चलिए आज आपको दिखा भी देंगे जिनको भी नहीं पता है कि क्या होता है सकरौड़ी। तो जी हम आए थे बूंदी लेने के लिए, बूंदी तो यहाँ पर मिला नहीं, जाते हैं मार्केट, शायद मार्केट में मिल जाए। और फिलहाल दूध सब ले लिया है और साथ में टूथ ब्रश, बहुत पुराना हो गया था तो आज फाइनली चेंज करने की बारी है। ये दूध इतना ठंडा है कि पूछिए मत, इसके नीचे जो है टूथ ब्रश को रख लिया है ताकि हाथ में जो है ठंड नहीं लगे और आराम से लेकर के जा सके। तो यहाँ पर जी सभी का लग गया है खाना, हम तो पहले ही खा चुके हैं और आंटी ने आज बहुत दिनों बाद हमें खिलाया सकरौड़ी, काफी अच्छा लगा, धन्यवाद आंटी को। जैसा कि आप लोग को बोला था कि सकरौड़ी दिखाएंगे कि आखिर कैसा होता है, यहाँ रहा जी यही है सकरौड़ी और आंटी बता देगी इसमें क्या क्या मिला था। आंटी दूध को उबाल के पुआ की तरह बना लिए। अच्छा, उसके बाद बूंदी झाड़ के, बेसन की बूंदी, चना बेसन, उसको बूंदी झाड़ लिए रिफाइंड तेल में, उसको निकाली, उसमें काजू किशमिश छुहारा चीनी, अपना जितना खाना हो, ज्यादा खाना हो तो ज्यादा डालो, कम खाना हो तो कम डालो, मखान को भून लिए फ्राई करके उसको चूर दी। अच्छा, ला दी, लग भी रहा था एकदम बिल्कुल खुआ जैसा खाने में, खुआ की तरह आई। ठीक है चलो तुम लोग खाओ। हम लोग के यहाँ मिथिलांचल में जो भोज होता है चावल दाल पर सकरौड़ी पर। अच्छा, सकरौड़ी और कढ़ी भरी, जहाँ नहीं हुआ उस भोज का कोई मायने नहीं, चावल दाल पर बनी सकरौड़ी खीरी, जितना खाओ सकरौड़ी, गिलास का गिलास पियो। The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और इस समय जो मौसम है जी पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि दिन के 11:12 बज चुके हैं। बाहर धूप देखिए किस तरह की धूप है, खतरनाक धूप है। और यहाँ पर आंटी बैठ गई हैं कद्दू लेकर के, तो आज क्या बनने वाला है आंटी? कद्दू का कोफ्ता बनाएंगे। हाँ। पहले इसको छील लें। हाँ। उसके बाद धो के पानी से फंसने वाला जो है कद्दू का से घिस के कपड़ा या हाथ से निचोड़ के सब सारा पानी निकाल के फेंक दूंगी उसमें बेसन, और बाद में बताऊंगी उसमें क्या क्या डालूं। ठीक है तुम करते जाओ, कद्दू का कोफ्ता हमको अच्छा लगता है। तुमको जो जो अच्छा लगता है ना तुम बोलते रहो। तुम तो बोला जो आंटी पनीर लाएंगे लेकिन लाया नहीं, भूल गए थे, आज लेते आएंगे। तो यहाँ पर अब जो है कद्दू को जो है कद्दूकस किया जा रहा है और बेसन की कमी है तो लेते आते थोड़ा सा है, रात में बूंदी बना ली थी ना, थोड़ा सा है ले आओ। ठीक है लेते आते हैं, उसे पूछना ना बड़ा वाला साबूदाना है। ठीक है मिल जाएगा। नमस्ते जी, बेसन बस बढ़िया जी, बेसन दीजिएगा 250 ग्राम, पेंटीन शैम्पू होगा, ले लिया जी अपना सामान जो भी आंटी ने कहा था। और धूप भाई साहब, धूप की कितनी चर्चा करे, जितनी चर्चा करे उतनी कम है, लगता है इसमें जो है ना बस शरीर पर मसाला सब डाल दे अच्छा सा मेरा बिरयानी बन जाए। यहाँ तुम्हारा बेसन और साबुदाना दोनों आ चुका है, बड़ा वाला है साबुदाना।
15 रुपया में 100 ग्राम मतलब 500 ग्राम का हो गया 75 रुपया 155 किलो। तो नानी आ गई है, अब इसकी बारी है मालिश की, है ना? अच्छे से मालिश करवाएगा ना, अच्छे से मालिश करवा लेना, ठीक है? फिर चलते हैं नहाने। कितना सीरियस होके सुन रहा है। सरसों तेल खत्म हो गया है तो यही तेल, सरसों तेल लाना पड़ेगा। अब रात में लगा देते हैं ना, गर्मी है ना तो रात में लगा देते। ओए बच्चा के लिए गर्मी ना। और यहाँ पर देख सकते हैं जी, बहुत सारा पकौड़ी यहाँ पर बन चुका है, इसमें से एक आध पकौड़ी जो है चढ़ा भी जाए। ठीक है, तब तक हम बेटा को नहीं देंगे। तो दूसरे आदमी को कैसे दूंगे? अच्छा, पहले से लगा हुआ था मेरे लिए। अरे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई। ओहो, तो बेटा से पहले कौन खाएगा? क्यों नहीं, चलो सही है, तो खाते हैं जल्दी। यहाँ पर देव को खाने के लिए मिल गया है। Nice. मजा आ गया। और अंटी के हाथ का यह सब चीज मजा आता है। और हमें ध्यान आ रहा है कि जब अंटी के घर जाया करते हैं तो यह सब खाने को बहुत मिलता है। तो अब अंटी यहीं पर आ गई है, तो यहीं पर बैठे बैठे हमें अपने अंटी के हाथ का स्वाद मिल रहा है। और क्या चाहिए? सब कहते हैं कि आंटी से कितना तुम लोग बनवाती हो। आंटी है, खुद बनाती है, अपने बेटे के लिए बनाती है। यहाँ पर बाबू अभी सोया हुआ है, लेकिन इसके नहाने की बारी है और थोड़ा टाइम भी हो गया है, तो सोचा जा रहा है इसको नहाया जाए, कैसे सोने दिया जाए, किसी डिस्टर्ब करने में अच्छा नहीं लग रहा है, गहरी नींद में है यह। 20 minutes later अब जो ये सो करके उठ चुका है, अब इसका शोर चालू है, गुदगुदी लग रहा है इसको। इसको इतना क्या चाहेगा कि भगा दे। चले नहाने, चले नहाने, नहीं नहीं करते हैं। हाँ, आँख अपना। होए, अभी मैं मम्मी का ऑपरेशन कर रहा था ना। होए, चले। कैमरा देखिए, एकदम शांत हो जाता है, कैमरा देखिए शांत हो जाता है, समझता है कि बहुत शांत हो जाएगा। एक ट्रक से देख रहा है, लगता है पचने नहीं देगा, खाली होने लगा। तुम्हारे बाबा सड़क रहे हैं क्योंकि तुम्हारी नानी याद कर रही है, इसलिए बाबा सड़क रहे हैं। कलर हो गया है। बोलो लेकिन अभी सिर्फ खाने के देखता है। बाबा को नानी याद कर रही है। अगर है बोलो, खाया पिया आयस किया काम है, देख रहा है। तो क्रियांश जो है एकदम सुकून से अब नहा चुका है, या है ना? पंखा नहीं चलाए, वही देख रहा है। पंखा नहीं चलाए, वही नहीं, पंखा चला देते हैं ना, इसके अंदर छिप जाना है आपको। तो ठीक है, जल्दी से पंखा चलाते हैं और इसका शरीर को से एकदम पूरा ड्राई कर दो, उसके बाद जो है पाउडर क्रीम जो भी होता है सब लगा दो। बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा क्रियांश, हीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी का भी पूजा हो चुका है। फोन किसका आया हुआ है? मोनू का आया हुआ है। सोचता है कि डेरा नया डेरा में शिवरंग कल अनंत चतुर्दशी है, बहुत अच्छा दिन है। अनंत चतुर्दशी को नहीं किया जाता है, पूर्णिमा के दिन होगा। अच्छा, कल नहीं होना चाहिए। परसों परसों है, इतना सुंदर दिन है कि भंडारी का लोग जल बोझ के देवघर जाता है, इसलिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ बेहतरीन दिन है। बाबा को जल चढ़ा, बाबा को जल उठता है सुल्तानगंज में, बहुत लोग चढ़ाता, बहुत लोग चढ़ाता है, जो पहले जल बोझ लिया है पूर्णिमा को चढ़ा, तो 4 लाख कमर जल अभिषेक करेगा पूर्णिमा में। पापा का तो कोर्ट छोड़ दिया जी, और अब आए हुए हैं एक सुविधा केंद्र के पास। यहाँ पर जो हमें वोटर आईडी का जो है कुछ करेक्शन करवाना था, और वहाँ तो एप्लीकेशन दे चुके हैं और वोटर आईडी को अब कलेक्ट करना है, तो उम्मीद करते हैं आज मिल जाए। जिया का जी पासपोर्ट हमें बनवाना है, और पासपोर्ट बनवाने के लिए एड्रेस प्रूफ में हमने दिया था वोटर आईडी, लेकिन वोटर आईडी में जो था डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा मिसमैच था, तो इसीलिए जो है फिर से करेक्शन के लिए हमने दे दिया है। लगभग एप्लीकेशन दिया हुआ अच्छा खासा समय हो चुका है, और वहाँ ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिया था। कार्ड कलेक्ट करने के लिए आए हुए यहाँ पर, उम्मीद करते हैं मिल जाए, जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और बहुत मन है कि एक एब्रॉड ट्रिप इधर थोड़ा मारा जाए, जल्दी से यहाँ सब कुछ हो पाएगा तो जल्दी हम निकलेंगे किसी न किसी विदेश की धरती पर। 1 hour later अंदर गए थे जी कलेक्ट करने, लेकिन बोला कि अभी नहीं हो पाएगा, आप जो सेकंड आवर में आइएगा, और ऑफिस जो है 5 बजे तक खुला रहता है, तो आ जाएंगे उससे पहले। तो अब सीधा चलते हैं घर। अच्छा, घर जाने से पहले आंटी का कुछ पैसा निकलना था ATM से, तो वो जा करके काम कर लेते हैं। पहुंच गए जी ATM, और आंटी का योर कार्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। योर कार्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। ओ भाई साहब, तो 6/22 को ही एक्सपायर कर गया था। आंटी का तो काम नहीं हो पाया जी, क्योंकि यहाँ कार्ड जो था एक्सपायर हो चुका है जस्ट 1 महीना पहले, और आंटी को जो है ध्यान नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं जी, घर चलते हैं, कोई दूसरा उपाय निकालेंगे। दादी को नहीं ना के बैठे हुए खाने नहीं देते। हाँ क्रियांश, दादी खाने नहीं देगा तुम ना। बैठे रही दादी। हाँ लगता है ना, वाह है, कोई परवाह है। नहीं जाएगा यहाँ, दादी गोदी में रहेगा। हाँ नहीं जाएगा ना। मेरा साड़ी खाएगा।
कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा हमारी मौसी को जो है कोफ्ता बनाती हुई, फाइनली वह बन चुका है और सारा काम जो है हो चुका है, अपना नहा भी लिए हैं, बस बारी अब खाने की, जल्दी से खाते हैं, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, फिर अपने दिन के काम धाम पर लगेंगे। यहाँ पर भी हमारा खाना लग गया है और खाने में बना हुआ है कोफ्ता जी। अपना खाना तो हो गया, जैसे ही खाना खा रहे थे फिर बीच में ही कॉल आया कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वह जो प्रिंट हो चुका है, तो आप जो है आकर के ले सकते हैं। तो सीधा चलते हैं ऑफिस और वोटर कार्ड ले लेते हैं। तो फाइनली जी जिया का वोटर कार्ड जो है मिल गया है, अब इसको लेकर के चलते हैं। अच्छी बात है, अब जिया का जितना भी डॉक्यूमेंट था लगभग सारा डॉक्यूमेंट जो है पूरा हो चुका है और सारा डॉक्यूमेंट जो है अब कटिहार के एड्रेस पर है। और अब जो है जिया का जाते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मिल जाए, महीने भर के अंदर अगर पासपोर्ट मिल जाए इस ईयर के एंड तक कहीं ना कहीं ट्रिप का प्लान करते हैं।